सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से पाठ दो धनुष भंग पढ़ने जा रहा हूं। कल मैंने आप लोगों को धनुष भंग पाठ से दोहा नंबर एक और उससे संबंधित जो चौपाइयां थी वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। आज मैं दोहा नंबर दो और उससे संबंधित चौपाइयां पढ़ाने जा रहा हूं। इनको ध्यान से सुने और इन्हें याद करें। देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मातु सनेह बस वचन कहे बिलखाए। यहां पर जो है सीता जी की जो माता है वो श्री रामचंद्र के साथ लक्ष्मण को देखकर और अपनी सखियों को समीप बुला करके कहती है कि मतलब श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को देखकर और अपनी सखियों को अपने पास में बुलाकर कहती है, विलाप करते हुए कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब आगे चौपाइया देखिए, सखी सब को दुख देख निहारे, जेउ कहावत ही तू हमारे। यहाँ पे कह रही है कि हे सखी, यहाँ पे जो भी हो रहा है इस स्वयंवर सभा में, जो कुछ भी हो रहा है, हमारे हितैषी कहलाने वाले जो लोग हैं इस सभा में जो बैठे हुए हैं वे हमारे परम हितैषी हैं। वो इस सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है उसको देख रहे हैं, मगर को न बुझाई कहाई गुर पाही, ए बालक असी हठी भर नाही। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो कोई भी गुरु विश्वामित्र को नहीं जाकर समझा रहा है कि ए बालक असी असी हठी भर नाही। ये बालक, इस बालक की जो बहुत कोमल है, ये देखने में बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, इनकी जो जिद है कि मैं ही धनुष को तोड़ूंगा, या लोग जो समझ रहे यहाँ पे ये बैठे हैं कि ये बालक जो इतना कोमल है ये इस धनुष को तोड़ देगा, इसकी जो ये हक है ये उचित नहीं है। आई क्या है, रावण बाण छुआ नहीं जा, उठाना तो दूर उसको हिला तक नहीं पाए, और हारे सकले भूप करिता पा। और जितने यहाँ पे जो राजा बैठे हैं वो बहुत अभिमानी थे, बहुत बड़े बड़े बोल बोल रहे थे कि इस धनुष को मैं एक हाथ उठा के फेंक दूंगा, इस धनुष को मैं ऐसे ही तोड़ दूंगा। उन सभी का जो अभिमान है वो यहाँ पे चकना चूर हो चुका है। और क्या है, सोधनुराज कुंवर कर दे देना चाहते हैं, सो धन राज कुंवर कर दे, उस विशाल धनुष को जो है इस राजकुमार को के हाथों में देना चाहते हैं। क्या बाल मराल की मंदर ले, क्या हंस का बच्चा कभी मदराचल पर्वत को उठा सकता है, नहीं उठा सकता है। उसी प्रकार से ये राजकुमार जो देखने में बहुत कोमल लग रहे हैं इस धनुष को ये कदा उठा नहीं पाएंगे। आगे भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। भूप सयानप सकल सिरानी, ऐसा लगता है जैसे महाराज जनक की जो बुद्धि है वो हर गई है, वो समाप्त हो चुकी है, जो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे ऐसे करने से इसका क्या परिणाम होगा। है क्या है, सखी विधि गति कछु जानी न जानी। हे सखी, विधा
भ्राता की गति को, उसके पराक्रम को कोई जान नहीं सकता है कि अभी क्षणभर में क्या होने वाला है और क्या हो जाएगा, अर्थात विधाता क्या करने वाला है, ईश्वर क्या करने वाला है, इसका ज्ञान किसी को नहीं है। आगे क्या है, बोली चतुर सखी मृदु वाणी तेजवंत लघु गनियन रानी। तभी क्या होता है, एक चतुर सखी जो भी सहेली होती है माता सीता जी की, गुरु सीता जी की जो माँ की चतुर सहेली होती है, वो उसे बड़ा प्रेम से कहती है कि हे रानी तेजवंत लघु गनियन रानी। जो पराक्रम पुरुष होते हैं, जो तेज पुरुष होते हैं, वो देखने में वाकई में छोटे लगते हैं, मगर उनका पराक्रम बहुत ही विशाल होता है, बहुत ही विशाल होता है। आप बिल्कुल संशय अपने मन से त्याग दीजिए, ये श्री रामचंद्र जी आपको देखने में छोटे और कोमल जरूर लग रहे हैं, मगर आप ये जो अपने मन में जो संशय रखे हुए हैं कि ये इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, आप ये दिमाग से पहले निकाल दीजिए, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं वो देखने में छोटे जरूर लगते हैं, मगर उनके कार्य जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। आगे कर, जिस प्रकार से
एक विशाल हाथी को बस में करने के लिए एक छोटा सा अंकुश ही काफी होता है। उस अंकुश से उसको जो है बस में किया जा सकता है। आगे चौपाई देखिए, काम कुसुम धन सायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम धन सायक लीने, जो काम देव देवता होता है वो अपने हाथों में फूलों का धनुष और बाण लिए हुए होता है। सकल भुवन अपने बस कीने, वो अपने हाथों में धनुष फूलों के धनुष और बाण को लेकर के सकल सकल त्रिभुवन भुवन अपने बस किए हैं, मतलब पूरे संसार को अपने बस में किए हुए हैं। आगे देवित जी संसव अस जानी भजब धनुष भंजब धनुष राम सुरानी। इसलिए हे देवी हे रानी, अपने मन का जो है जो संशय है जो संदेह है उसको आप तुरंत मिटा दीजिए, उसको तुरंत हटाइए। भंजब धनुष राम सुन रानी। हे रानी आप ध्यान से मेरी बात सुनो, इस धनुष के धनुष को इस शंकर जी के विशाल धनुष को श्री रामचंद्र ही तोड़ेंगे, इसको ध्यान से सुन लो। क्या कहती है, देवी तजे संसव अस जानी। हे देवी, जो मन में तुम्हारे संशय व्याप्त है इस संशय को आप तुरंत समाप्त करिए, इसको हटाइए और इस धनुष को श्री रामचंद्र ही तोड़ेंगे, ये हमारी बात आप सुन लीजिए। आगे देखिए, सखी वचन सुनी भय परिति मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। देखिए सखी वचन अपनी सहेली अर्थात सखी के द्वारा सुन उसके द्वारा कहे गए वचनों को सुन करके उनके जो संताप थे वो क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और क्या है, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति, और उनके जो कष्ट दुख दर्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, वो मिट जाते हैं समाप्त हो जाते हैं। और बढ़ी अति प्रीति, और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनकी प्रीति और भी बढ़ जाती है, विश्वास उनका और भी बढ़ जाता है। आगे क्या है, तब राम ही बिलो की बै दे सभय हृदय बिनवत जेहिते। तब क्या होता है, तब सीता जी जो है श्री रामचंद्र की ओर देखती हैं और मन ही मन अपने इष्ट से प्रार्थना करती हैं, मन ही मन क्या है, सभय हृदय बिनवत जेहिते और मन ही मन पर हृदय से जो है अपने इष्ट से देवता से जो है प्रार्थना करती है। क्या करती है, मन ही मन मनाव अकुलानी ओ प्रसन्न महेश भवानी। और व्याकुल होकर मन ही मन जो है इसको महेश अर्थात शंकर जी और पार्वती को ये कहती है, मनाते हैं मन में, हे शंकर जी हे पार्वती माता आप प्रसन्न होकर हमको ये वरदान दीजिए। क्या कहती है, और क्या कहते हैं, करो सकल आपन सेवकाई अकर ही तुहर जाप गवाई। हे बाबा शंकर जी और माता पार्वती जी, हम पर अगर आप प्रसन्न हैं तो हमारी सेवा को जो भाव है उसको आप प्रकट करिए और कर ही तुहारो चाप गवाई, आपका धनुष है इसके भारी पर को कम कर दीजिए, इसको हल्का कर दीजिए, जिसको जो है श्री राम जी है आसानी से उठाकर उसको तोड़ सके। आगे क्या है, गणनायक परदायक देवा आज लगे की
आप जो है देवताओं में सबसे ईष्ट है, सबसे महान है। आज तक मैंने जो आपकी सेवा की है, जो आपकी मैंने पूजा की, अर्चना की, आराधना की है, अगर उस पूजा अर्चना और आराधना से आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हमको ये वरदान दीजिए। क्या बार बार विनती सुन मेरी, करो जाप गुरुता थोरी। मैं आपसे बार बार विनती करती हूँ, बार बार मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करिए। और इस धनुष के जो भारीपन को है, ये धनुष देखने में बहुत बड़ा है और बहुत वजन है, भारी है, इसकी आप जो है इसके भारीपन को दूर करके इसको हल्का कर दीजिए, जिसके जिससे जो है श्री रामचंद्र जी जो है इसको आसानी से उठाकर इसको तोड़ सके।